उरी हो गया है बॉक्स ऑफिस में हिट, अभी सुपर हिट होने के कगार पे है उरी। 100 करोड़ के मार्क छूने वाला है। एक बहुत अच्छा फिल्म बनाया है आदित्य रॉय ने और यहाँ पे एक्टिंग तो बहुत जबरदस्त किया है सभी लोगों ने। मैं ये फिल्म अभी तक 2 बार ऑलरेडी देख चुका हूँ सिनेमाघरों में जाकर, और आपको भी देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए, चलिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। शायद ये सुनने के बाद आप लोगों का मन जरूर करेगा कि ये फिल्म एक बार जरूर देख के आना चाहिए। जुड़े रहिए मेरे साथ रहस्य लाइव में, मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिनल घटना की। ये है भारत का सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक जो कि एज ए फिल्म यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो क्या इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? हाँ दोस्तों, इससे पहले भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 1971 पे ईस्ट पाकिस्तान यानी अभी जो बांग्लादेश है वहाँ पर चिट्टागोंग में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इसके बाद 2000 साल में कश्मीर स्थित LOC में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और ये है भारत के द्वारा किया गया 3रा सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ। अब आते हैं भारतीय सेना के बारे में। भारतीय सेना कैसे डटकर मुकाबला कर सकते हैं या कितना पावर रखते हैं अपने हाथ में, ये आप अगर ये फिल्म नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हम लोग सोचते हैं कि भारतीय सेना वहाँ पर सिर्फ पहरा देता है और कुछ नहीं करता है, लेकिन नहीं, असल में क्या क्या करना होता है उन लोगों को, किन किन परिस्थितियों से उन लोगों को गुजरना होता है, कई जवान अगर शहीद हो जाए उनका परिवार कैसे परिस्थितियों से गुजरते हैं, वो सभी ये फिल्म में दिखाया गया है। यही मौका है उनके दिल में डर बिठाने का। इसीलिए आप अगर एक सच्चा भारतीय है और देश के बारे में या देश को जो प्रोटेक्ट करते हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये फिल्म जरूर देखिए। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उरी मूवी ऐसा पहले मूवी है जो पायरेसी के खिलाफ भी सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके उरी मूवी देखना तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उरी फिल्म का एक एंटी पायरेसी टीम तैयार किया गया है जो इस बात में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। आपको क्या लगा, जब हमारी आर्मी उनकी टेरिटरी में घुस के आतंकवादियों को मार सकती है तो क्या आपके टॉरेंट में नहीं घुस सकते? वो लोग एंटी पायरेसी को जोरदार प्रमोट भी कर रहे हैं। सामने आ रहा है देशभक्ति वीक यानी 23 जनवरी और 26 जनवरी, इस वीक के लिए तो ये फिल्म परफेक्ट है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मूवी पर डायरेक्शन, कोरियोग्राफी, एक्टिंग, एक्शन सभी एकदम परफेक्ट है। विकी कौशल ने इतना जबरदस्त एक्टिंग किया है, आप अगर नहीं देखेंगे फिल्म आप नहीं समझ पाएंगे। साथ में है अजीत डोभाल यानी परेश रावल जी का एक्टिंग, बहुत ही उमदा किस्म का एक्टर है परेश रावल जी, इससे पहले बहुत अवार्ड भी जीत चुके हैं। साथ में यमी गौतम एक अलग ही मात्रा ले आते हैं इस फिल्म में। आदित्य रॉय के डायरेक्शन बहुत ही उमदा है और ये फिल्म जितना रियलिस्टिक लगाना चाहिए उतना ही रियलिस्टिक लगाने की कोशिश की है आदित्य रॉय ने, इसीलिए हर पॉइंट में छोटा सा छोटा डिटेल्स भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों, आप क्या ऑलरेडी उरी फिल्म देखा है? अगर हाँ तो 10 में से कितना पॉइंट देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का।